इस भगवान की जय हो। बंधु आज भगवान ने अपने मित्र सुदामा पर कैसे कृपा किया। जिस समय सुदामा जी थे द्वारिका में, उसी समय भगवान ने रात्रि में ही विश्वकर्मा जी को भेज करके और सुदामा जी के महल को सुंदर राजभवन की तरह बनवा दिया। जब विश्वकर्मा जी बनाने आए तो मैया सुशीला ने रोक दिया कि हमारे अकेले का महल नहीं बनेगा, यदि आप बनवाना चाहते हैं तो मेरे पूरे गांव का बनवाइए। मैया के कहने पर सुदामा जी ने संपूर्ण ग्राम द्वारिका के जैसा ही निर्माण कर दिया और रात्रि में ही माता लक्ष्मी सुदामा की कुटी में प्रकट होकर के मैया सुशीला को एक ही रात्रि में जो उनका स्वरूप हो गया था, ऐसा लग रहा था मानो बूढ़ी हो गई है, पुनः मैया ने नवयवती कर दिया, एक परम सुंदर स्वरूप प्रदान किया माता लक्ष्मी को। जब सुदामा जी आए तो महल को नहीं पहचान पाए, कुछ द्वारपाल जाकर के बुला कर लाते हैं। सुदामा जी कहते हैं, भगवान मैं इन ऐसो आराम में आपका भजन नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो एकांत ही चाहिए। मैया ने कहा, अब आप एकांत में ही रह करके भजन करो, ये महल तो बच्चे संभालेंगे। भगवान भी कहते हैं, जो मुझे प्रेम से देता है, भाव से देता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तयुपहृतम् इष्णामिं प्रियतात्मनः। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मुझे प्रेम भक्ति से एक पत्ता फूल अथवा जल अर्पण कर देता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ और उसी से उस जीव की भगवान में शरणागति हो जाती है, भगवान में रति हो जाती है, भगवान में प्रेम हो जाता है। आचार्य कहते हैं, जब भक्त के घर भगवान आते हैं तो वह भक्त खुश होता है कि भगवान आए, और जब भगवान के घर भक्त आता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त आया, ये प्रभु की लीला। आज राम मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए। ये भाव होना चाहिए कि भगवान आए हैं, भगवान कैसे आते हैं, अतिथि रूप में आते हैं, आचार्य के रूप में आते हैं। निमे उचिया पागावाली मेरी कुटिया दे पाग जगाए, निमे उचिया पागावाली मेरी कुटिया दे पाग जगाए, आज राम मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए। ये हम सब का भाव होना चाहिए कि हम सौभाग्यशाली हैं तब भगवान मेरे घर आए। और इस द्वार पर जब भगवान की कृपा हुई तो सामने देख रहे हैं कितने ठाकुर बैठे हैं, ये सब कहां कहां से चल कर के आए हैं। ये भूमि कितनी पवित्र हो गई, जहां निरंतर 7 दिनों से हम सब बैठ कर के केवल और केवल भगवान की चर्चा करते हैं। जीवन को सुखमय कैसे बनाया जाए, अपने से बड़ों का क्या हमारे जीवन में भूमिका है, उसका दर्शन कर रहे हैं। ये हम सब का भाव होना चाहिए। ये कौन है,
वो जगदा पालनहारा नाल दुनिया दा रखवाला वो जगदा पालनहारा नाल दुनिया दा रखवाला ये सब दे दुख मिटाए आज श्याम मेरे घर आए ये सब दे दुख मिटाए आज राम मेरे घर आए निम जिंदड़ी कोल कुलावा नाल चक चक पैर वो हसी हसी खांदा जाए आज राम मेरे घर आए 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 भगवान मेरे घर आए सबको धन्यवाद करना चाहिए बार बार भगवान को ठाकुर जी को कि गोविंद आपकी ही कृपा से मेरा जीवन चलता है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से राजन एक दिन द्वारिका में विश्वामित्र असित कण्व दुर्वासा और भृगु अंगिरा वामदेव आदि ऋषि पधारे तो राजकुमार जो यदुवंश के राजकुमार हैं उन्होंने सांब को स्त्री बना करके और उनके पेट में गुदड़ी भर के ऋषियों से पूछते हैं कि बाबा ये यदुवंश की नई बहू है जरा बताओ इसके पेट में क्या है। दुर्वासा ऋषि को इन यदुवंशियों का मजाक अच्छा नहीं लगा क्रोध कर गए और बोले इसके पेट में तुम लोगों की मृत्यु है। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सांब गर्भवती हो गया और एक ऐसा समय आया कि उसके उदर से लोहे के मूसल का जन्म हुआ। उन यदुवंशियों ने क्या किया उस मूसल को ले जाकर के प्रभास क्षेत्र की तरफ समुद्र के तट पे बैठ करके उसको पत्थर की शिला पे रगड़ते हैं पानी डाल डाल वो उसका जो चूरा निकल रहा है समुद्र में जल में बहता है बहुत थोड़ा सा टुकड़ा बचा उस टुकड़े को उठा करके उसे जल में फेंक दिया। धीरे से उस टुकड़े को एक मछली निगल गई और जरा नाम का एक व्याधि है उसने उस मछली को अपने फांस में फंसाया ले जाकर के घर पे फाड़ता है तो लोहे का जब उसे नुकीला मुसल मिला तो उसने क्या किया अपने बाणों पे गांसी की तरह लगा लिया और जो इनके लोहे के रगड़ने से चूरा निकलता था वह जल में बह करके गया। वही आगे चल करके जल में नाना प्रकार के जो घास वाले पौधे होते हैं जिसको समार बोलते हैं वो समार के रूप में परिवर्तित हो गए। एक दिन द्वारिका नगरी में भगवान द्वारिकाधीश से काल उन्होंने विनय करने आया कि भगवान अब आपका समय यहाँ से पूरा हो रहा है और अब चाहिए कि आप वैकुंठ को गमन करें क्योंकि आपको जो लीलाएं करनी थी वो लीला आपने कर लिया ये मृत लोक है यहाँ पर जीव का एक निश्चित समय है। भगवान ने काल को सांत्वना दी और जब देखते हैं कि अब द्वारिका में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे तो उन उत्पातों को देख करके अर्जुन को बुलाते हैं और कुछ गोपिकाओं को अर्जुन को सौंप दिए कि इनको हस्तिनापुर ले जाना।
बलराम जी पहले ही समुद्र के तट पे आ गए और परमात्मा का चिंतन करते करते आत्म स्वरूप में स्थित होकर के उन्होंने यह पंच भौतिक शरीर त्याग दिया, भगवान में लीन हो गए। भगवान जब बलराम जी परमात्मा में लीन हो गए तो भगवान द्वारिकाधीश देखते हैं कि दाऊ भैया चले गए तो मेरा क्या। एक पीपल वृक्ष के नीचे प्रभु बैठे हैं और पैर के ऊपर पैर जंघे पे भगवान पैर रखे हैं, उनका जो तालू दिख रहा है ऐसा लग रहा है किसी हिरण का मुख है। वो जो व्याधि था वह शिकार के लिए आया था उसी वन में जहाँ भगवान बैठे हैं, और जितने ग्वाल बाल थे जो भगवान के पुत्र आदि थे ये सब ने क्या किया, वारुणी नाम की मदिरा पी ली और उसी प्रभास क्षेत्र में गए जहाँ इन्होंने उस मूसल को रगड़ा था। वारुणी मदिरा पी करके उसी जल में कूद गए, स्नान करने लगे और उसी समार को खींच करके एक दूसरे पे वार करते हैं तो इनके हाथ में खींचते समय घास फूस की तरह लगे लेकिन जब शरीर पे पड़े तो बरछी का काम करे। इस प्रकार से इनकी यदुवंश जो थी भगवान की आपस में लड़ कर उसी समुद्र में समाप्त हो गए। भगवान के उस चरण कमल को मृग समझ करके जरा ने अपने बाण का संधान किया, बाण आकर के भगवान के चरण कमलों में लगता है, रक्त की धारा बहने लगी। वह व्याधि दौड़ा दौड़ा आया, देखा कि भगवान द्वारिकाधीश बैठे हैं, दौड़ करके चरणों पे गिर पड़ा। श्रीवत सांक घन श्याम बोला, हे भगवान मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, आपके ऊपर मैंने बाण चला दिया। भगवान कहते तू चिंता मत कर, तूने मेरे मन का काम किया है, ये तो तूने मेरे ही मन का काम किया है, और यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तू चला जा, नहीं अगर मेरा सारथी तारुक आ गया तो तुझे मार देगा, मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ, तुझे वैकुंठ दूंगा। व्याधि भगवान को प्रणाम करके चला गया। जब तारुक आया भगवान का सारथी, बहुत रोता है भगवान को देख करके। भगवान बतलाना चाहते हैं कि आने वाला जो समय होगा वह कलयुग होगा, और कलयुग में कोई जीव अपने शरीर को लेकर के नहीं जा सकता है, इसीलिए भगवान भी अपने शरीर को पृथ्वी पे ही छोड़ रहे हैं। दारुक को भगवान ने समझाया जा करके मैया बाबा को सारा हाल कह सुनाना, और द्वारिका नगरी को सुंदर सुचारू रूप से संचालित करना। भगवान के सम्मुख गायत्री की अधिष्ठात्र देवता सविता प्रकट हुए, स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा जी इंद्रादि लोकपाल पंच लोकपाल सब आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। देखते देखते भगवान के देह से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, चतुर्भुज स्वरूप में भगवान आज विमान में बैठ गए, भगवान का पार्थिव शरीर रह गया। द्वारिका के बड़े बुजुर्गों ने भगवान के उस पार्थिव शरीर का दाह किया, लेकिन उनके शरीर से जो उनका हृदय था वह चमकता हुआ कूदता रहा, वह जला नहीं। भगवान के ही समय पे जगन्नाथ जी में जो मूर्ति है उस मूर्ति को बनाया गया था, तो उस समय बुजुर्गों ने क्या किया, भगवान के हृदय को उठा करके जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित कर दिया। आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी की मूर्ति में विद्यमान है, यही जगन्नाथ जी की लीला है। स्वयं भगवान जगन्नाथ जी में विराजते हैं, जगन्नाथ जी का जो ध्वजा है हवा से विपरीत लहराता है, और यदि जगन्नाथ जी के मुख्य द्वार के जैसे आप भीतर होंगे समुद्र में जितनी लहरें हैं सारे लहरें सुनाई होना बंद हो जाएंगी। 12 वर्ष में उस मूर्ति से बदला भी जाता है वह दिव्य शक्ति, जिस समय बदला जाता है पूरे जगन्नाथ जी की लाइट काट दी जाती है, पुजारी के हाथों में ग्लव्स होते हैं, दस्ताने, आंखों पे पट्टी पड़ जाती है,
कई बार पुजारियों ने बताया कि जब हम लोग हाथ में लेते हैं उस दिव्य शक्ति को तो ऐसा लग रहा है मानो खरगोश की तरह कुछ कूदता हूँ। आज भी भगवान हमारे आपके बीच विद्यमान है, हमें भाव से भगवान को ढूंढना चाहिए। द्वारिका में जब देवकी और वसुदेव जी ने रोहिणी ये सब अपने पुत्र के वियोग में बलराम जी को कृष्ण जी को नहीं देख करके बिल्कुल भगवान के विरह में मरणासन्न हो गए हैं और देखते देखते अपने प्राणों को भी छोड़ दिया। स्त्रियों ने भी अपने अपने पतियों की सबको लेकर के उसी जल में समाधि ले ली, कुछ ने तो अग्निदाह कर लिया। और जब काल ने देखा कि द्वारिका में कोई नहीं रह गया तो भगवान चले गए, द्वारिका नगरी को भी उठा करके समुद्र में डुबो दिया। आज भी वह द्वारिका समुद्र में उसी प्रकार से विराजमान है। आचार्य कहते हैं कि जो अर्जुन गोपियों को लेकर के हस्तिनापुर आ रहे थे, रास्ते में भीलों ने उन गोपियों का हरण कर लिया। अर्जुन अपना गांडीव चलाते हैं लेकिन वह गांडीव नहीं काम आया उनका। अर्जुन कहते हैं कि जब तक भगवान थे तब तक मेरे गांडीव में ताकत थी, भगवान के जाने के बाद में हमारे गांडीव की भी ताकत चली गई। उसी समय सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं और ये पांडव भी पांचों भाई स्वर्गारोहण की ओर चले गए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान इस मृत लोक को छोड़ करके चले गए, लेकिन जो आने वाला समय है यह कलयुग होगा और कलयुग में ऐसे ऐसे राजा होंगे कि मंत्री ही अपने राजा को मार करके और स्वयं राज सिंहासन पर बैठेगा। कई वर्ष तक तुर्क शासन होगा भारत वर्ष पर, पुनः बाद में ऐसे ऐसे राजा होंगे जो इस भारत वर्ष में धर्म की ध्वजा को लहराएंगे। वही पूर्व में महाराणा प्रताप शिवाजी जैसे वीर भी राजा हुए जो उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा किया और पंजाब की धरती से 10 गुरु गोविंद सिंह जी आदि हुए जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों की बलि दे दी। केवल किस लिए? हम सुरक्षित रहे, हमारा धर्म सुरक्षित रहे। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज ऐसे लोग होंगे कलयुग में जो बलपूर्वक दूसरे की हत्या करके अपना भरण पोषण करेंगे लेकिन उनको तनिक भी गलानी नहीं होगी, किसी प्रकार की गलानी नहीं होगी, वो खुश रहेंगे। नाना प्रकार के दंभ पाखंड अधर्म बढ़ेंगे लेकिन जो भगवान के भक्त होंगे वे थोड़े समय के लिए दुखी होंगे, बाद में भगवान उन पर अनुग्रह अवश्य करेंगे। कुछ ऐसे भी ब्राह्मण होंगे जो अपने धर्म से कर्म से हट करके बिल्कुल मलिच्छ का जीवन यापन करेंगे, उनके ब्राह्मणत्व भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इस पृथ्वी पर जब तक भगवान सूर्य रहेंगे ऐसे भी ब्राह्मण रहेंगे जो धर्म की ध्वजा को लहराते रहेंगे, भगवान की कथाओं को सुनाते रहेंगे और सभी जीवों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान अगर भगवान चले गए तो मेरा क्या काम, जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक तक्षक आएगा नहीं और महर्षि का जो श्राप दिया था श्रृंगी ने वो पूरा कैसे होगा। कथा वहीं पे आज आकर के विश्राम ले रही है। महाराज श्रृंगी ने श्राप दिया था राजा परीक्षित को, संपूर्ण कथा महाराज परीक्षित ने सुना जो हम आप सबने सुना। सुखदेव जी का पूजन करके उनको विदा करते हैं और महाराज परीक्षित जैसे ही सुखदेव जी गए प्राणायाम के माध्यम से भगवान में अपने आप को लीन हो गए। एक फल में कीड़े के रूप में तक्षक आता है और अपने जो ऋषि का श्राप दिया था वह ऋषि की मान रखता है, महाराज परीक्षित को टस लेता है लेकिन प्राणांत तो पहले ही हो चुका था। जीवों के देखने में ये हुआ कि महाराज का प्राणांत हुआ। बाद में महाराज परीक्षित के पुत्र होते हैं जनमेजय। जनमेजय ने सर्प यज्ञ करवाया कि संसार के जितने सर्प हैं सब जल करके भस्म हो जाएं, लेकिन
आस्तिक नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने उस समय सर्पों की रक्षा की और महाराज जनमेजय को बहुत समझाया। आज भगवान गमन कर रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं, समस्त देवता यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि किन्नर सब भगवान के स्वागत में लगे हैं कि भगवान वैकुंठ की ओर चले। अब ये श्रीमद् भागवत विश्राम ले रही है। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय दीनानाथ हरे, निज भगतन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे, निज भगतन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे, निज भगतन के प्रतिपाल जय दीनानाथ हरे, प्रभु जाते अपने धाम जय जगदीश हरे, प्रभु जाते अपने धाम जय जगदीश हरे, प्रभु जाते अपने धाम जय जगदीश हरे। बोले नारायण भगवान की जय हो। प्यारे प्यारे यही श्रीमद् भागवत कथा है जो हम आप सबने सुना। और श्रीमद् भागवत कथा सागर है, इसके एक भी श्लोक का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम लोग कौन होते हैं भागवत सुनाने वाले? हमारे गुरुदेव ने जो हम लोगों को सुनाया वही हम आप सबको सुनाते हैं। और इन सात दिनों में बड़ा बड़ा प्रेम दुलार मिला, समय ऐसे व्यतीत हो गया कि पता ही नहीं लगा। ऐसे लगा हम लोग पहले से ही संपर्क में रहे हों तिवारी परिवार में। तो मैं निवेदन करूंगा कि इन सात दिनों में हमारे व्यासपीठ पे विद्यमान जितने विद्वत जन हैं, इन सब से कोई ऐसी वाणी बोली गई हो जिससे आप लोगों के हृदय को ठेस पहुंचा हो तो बाई बालक आदि जान के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जो ज्यादा बोलते हैं उनसे तो कोई ना कोई शब्द निकल ही जाते हैं। और जब पुनः प्रभु की कृपा होगी तब समागम होगा। और यदि लगे आप लोगों को कि हमें इस भागवत से कुछ ऐसा मिला है जिसे जीवन में उतारना चाहिए तो आप उसको अवश्य ग्रहण कीजिएगा। कि बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वो हमर नाम दुनिया में कर जाए, वो हमर नाम दुनिया में कर जाए, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, श्याम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री सुनील तिवारी जी से, व्यासपीठ पे आएंगे और अपने वाणी से दो शब्द संबोधित करेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा से क्या पाए, क्या खोए, क्या हम लोगों को ऐसी कथा सुनना चाहिए, तो इसके विषय में आपके ही परिवार की अवगत कराएंगे। और इसके बाद हम लोग एक विदाई गीत श्रवण करेंगे, तत्पश्चात आरती होगी और कल भगवान के इस यज्ञ के हवन का भी कार्यक्रम किया गया है। प्रातः काल 8 बजे से समय रखा गया है, अतः आप लोग हवन में भी पधारिएगा। श्री राधे। गुरुजनों को मेरा प्रणाम और आप सब ग्राम वासियों को मेरा सादर चरण स्पर्श। आप लोग
हमारे अनुग्रह पर हमारे द्वार पर पधारे, इसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि अभिनंदन। हमें गुरु जी की वाणी से बहुत ही प्रेरणा मिली है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इनके अगर बातों को हम स्मरण करें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। और मैं सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि गुरु जी की वाणी से अगर आप लोगों को कोई भी कुछ प्राप्त हुआ हो, आपको लगता है कि इनकी बातों का अपने जीवन में हम अनुसरण कर सकते हैं, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज उस चीज को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। धन्यवाद गुरु जी आपका हमारे बताने। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक एक दाई दाई पानी पानी हरि 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 हरि। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद हमारे तिवारी जी को, मैनेजर साहब को, बहुत ही कम समय में बहुत ही सुंदर शब्दों से आपने सिंचित कर दिया। आप लोग तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए। हम तो लोग जानते हैं कि मैनेजर साहब है तो जरूर ही, जब पूरी कंपनी डील कर लेते हैं तो आशीर्वाद से सिंचित तो करेंगे ही। व्यास जी ने बताया आज 7 दिनों से आप लोगों का स्नेह प्यार मिला, इसके लिए बार बार धन्यवाद साधुवाद। तिवारी परिवार में 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का समय आज पूर्ण हुआ और हम सभी ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा है कि अभी 7 दिन कैसे हो गए, ये क्या है। व्यास जी ने बताया कि हमारे घर जैसा हो गया है और जितने भी सदस्य घर के हैं सब बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देने वाले जथाना में तथा गुड़े मुख्य यजमान माता जी हमारे। कल दोपहर को कह रही थी पंडित जी अब आप लोग धीरे धीरे जाने का समय हो रहा है। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं, जीवन में रिश्ता और संबंध हम लोग एक दूसरे को जानने, एक दिन खुशी थी कि हम लोगों को भवानीपुर जाना है, भवानीपुर का रास्ता नहीं पता था, हम पूछते पूछते चले आएंगे, लेकिन आते वक्त तो खुशी थी। लेकिन खुशी इस विषय का है कि कार्यक्रम सुचारू रूप से हो गया, लेकिन 7 दिन जहाँ पर रह जाओ बहनों के साथ, भाइयों के साथ, माता जी के साथ इतना स्नेह प्रेम हो जाता है कि छोड़ के जाने में तो तकलीफ हम सबको भी होती है, वो भी भवानीपुर से तो अधिक तकलीफ होगी हम लोगों को। आप लोग को धन्यवाद साधुवाद, इससे ज्यादा और किसी शब्दों से हम लोग सिंचित नहीं कर सकते हैं। साल का साल कार्यक्रम हम लोग करते हैं लेकिन भवानीपुर में जो प्यार दुलार सम्मान मिला है इसके हम सभी आभारी। सच्चिदानंद भगवान की दया दो अनुकंपा आप सभी पर, सभी ग्रामवासियों पर सदैव बने रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हम चाहेंगे कि हमारे बीच में देश की रक्षा करने वाले वो सपूत जवान फौजी भाई जहां भी हो, 2 मिनट के लिए व्यास भगवान के पास आप चले आए, क्योंकि जब राम ने आशीर्वाद से सिंचित किया है तो लक्ष्मण को भी सिंचित करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज लिए फौजी भाई जी जहां भी हो, यदि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप व्यास भगवान के पास चले आए, यदि यहां उपस्थित हो तो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, राधे रानी सरकार की जय, व्यास भगवान की जय। जी भाई भाई दिख रहे हैं। हरिओम हरिओम। राम भक्त कृपया ध्यान दें, हमारे बीच में आए हुए हैं हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार महोदय, आप हैं माननीय पंडित श्री दीपक दुबे जी, और उसके बाद आप हैं माननीय पंडित श्री प्रमोद पांडे जी, आप पलिया से आए हुए हैं।
और उसके बाद हैं आप मानिए श्री विनोद मिश्रा जी, आप बंदन डी से हैं और आप हैं मान्य श्री रत्नेश पांडे जी, आप दिल्ली से आए हुए हैं। वो लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके पदार्पण इस पावनपुरी में हुए हैं। तो जिन अतिथियों अर्थात भैया लोगों का नाम लिया गया है वे लोग व्यास मंच के पास आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यह जैसा कि दिशा निर्देश हमारे मान्य भैया प्रबंधक महोदय जी की तरफ से है कि आए हुए गणमान अतिथियों का सत्कार स्वागत करने के लिए हमारे सक्रिय कार्यकर्ता मान्य भैया लोग आपकी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। आदरणीय फौजी भैया हमारे आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए फौजी भैया का, जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वाह वाह। उसके बाद हमारी बहन जी हैं मंजू पांडे जी, आप स्वामी जी का वस्त्रों के द्वारा सप्रेम भेंट प्रदान करेंगे तो आप बेझिझक आ सकती हैं। धन्यवाद आपको। बहन जी व्यास जी का स्वागत करने आ रही हैं। एनम बहन जी, आप लोग तालियों से हमारी बहन जी का स्वागत कर दीजिए और हमारे नजदीक हैं, हम लोग बहन जी से जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी को। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का समय आप लोगों का दिया जाएगा। बहुत समय आज आप लोगों ने दिया है, इसके लिए धन्यवाद साधुवाद। जैसे अभी तक आपने समय दिया 15 मिनट के अंदर हम आरती करा देंगे। 15 मिनट समय आप लोगों का और लेंगे। बहुत जल्द से जल्द हम आपको आरती और प्रसाद के साथ भेजेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहन जी द्वारा सभी ब्राह्मणों को वस्त्र दान देकर के स्वागत किया गया। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बहन जी के नाम पर बजा दिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भज लो सिया रघुबीर की, भज लो सिया रघुबीर किसी दिन याद करोगे। भज लो सिया रघुबीर किसी दिन याद करोगे। भज लो सिया रघुबीर किसी दिन याद करोगे। भज लो सिया याद करोगे। भज लो सिया
Baby!
दिन याद करोगे आज यही आखिर किसी दिन याद करोगे हजलो सिया रघुबीर किसी दिन याद करोगे हजलो सिया रघुबीर किसी दिन याद करोगे प्रज्वलित करें अपने अपने जगह पे खड़े रहेंगे तो सब लोग भगवान की बारी बारी आरती करेंगे।